हाँ फाइनली दोस्तों अपनी मोर जो है कि बच्चा देंगी। क्या करता हूँ अभी, तू ये पूरी गाय लेके कब आ रहा घर पे? तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जो है उनको चारा वगैरह जो है कि भाई लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी पूरी मिल्किंग जो है कि हो गई खत्म। लास्ट गाय की जो है कि अभी मिल्किंग बची है। लास्ट गाय की मिल्किंग अभी रही है। पोपट मामा की जो गाय है उसकी मिल्किंग कर रहे हैं अभी। ऑलरेडी पोपट मामा की गाय जो है कि बाखड़िया हो गई है। अभी इसको लौटानी थी लेकिन दोस्तों फिर बाद में नहीं लौटाया। और अभी क्या लौटाएंगे, अभी लौटाएंगे भी नहीं। और इसमें सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि भाई इसकी जितने भी बच्चे होगी वो भी हम सेल नहीं कर सकते। तो ये बच्चे भी हम अभी आगे जाके कभी सेल नहीं कर सकते। गाय तो कर ही नहीं सकते, बच्चे नहीं करते, इसकी भी बच्चे नहीं कर सकते। उसकी पूरी डिटेल मैंने पहले एक व्लॉग में बताई थी। ये देखो ये उग गया। ये प्लान जो है कि दोस्तों सक्सेसफुल। ये देखो पत्ती आ गई है, सबको पत्ती आ गई। देखो तो ये बढ़िया हो गया दोस्त। ये देखो तो मेरे ख्याल से छांव हो जाएंगे इसके इस गर्मी के मौसम में। फिलहाल जो है कि आज हो रखा है बारिश का मौसम। अभी बारिश ना आए तो अच्छा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी जो है कि मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी। और आज जो है कि भाई निकलना है सुरेश भाई के वहाँ पे। तो अपा कली अपा और टीनू कली गए थे। आज मैं मम्मी और आर्यन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे है प्रोग्राम। उसकी वजह से आज सुबह अभी 9 बजे भी है और कल जो है कि कल शाम को भी है। तो अभी 9 बजे जो है कि भाई रामापीर बापा का जो नेजा चढ़ता है अभी आज सुबह 9 बजे है। और कल शाम को जो है कि भाई डेग का प्रोग्राम है। डेग का प्रोग्राम जो होता है ना भाई दोस्तों वो शाम को है। और डेग के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि भाई डेग बोले तो एक बड़ा सा पतीला होता है, उसमें दूध डाल के भाई उसको इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि उस दूध का खवा कर डालते हैं। और चूल्हे के ऊपर ही होता है और उसमें से निकाल के भाई वो जो है कि जो भगत होते हैं उनको खाना पड़ता है। तो भाई वो सीन जो है कि भाई थोड़ा अलग होता है भाई। तो वो शाम को आपको दिखाएंगे, कल शाम का प्रोग्राम है वो। अभी सुबह का तो सिर्फ नेजा है और सुरेश भाई की वही आज पूरा दिन जाने वाला है। सुबह सुबह उठ के तू आ गया यार यहाँ पे। इसको भी मम्मी बोल रहे थे लेके जाएंगे लेकिन ये भाई बहुत शरारती बंदा है। हम यहाँ पे कुछ काम में हेल्प करवाएंगे और ये भाई जो है कि कुत्ते के जाके कान पकड़ता है। वहाँ पे सुरेश भाई के यहाँ पे भेजा था उसको। वहाँ पे कुत्ते भी बहुत डेंजर है, वो कुत्ते के कान पकड़ लेता है। और अपना कुत्ता होता है तो ठीक है, अभी दूसरे कुत्ते थोड़े ना छोड़ेंगे। चलो दोस्तों, तो फिलहाल जो है कि भाई एकदम हो गए हैं रेडी, अभी फटाफट से निकलते हैं। चलो डॉन। वाह वाह वाह, गॉगल पहनने की जरूरत थी। हाँ चलो जो है कि दोस्तों अभी आ गए हैं हम लाल भाई के घर पे। तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जो है उनको चारा वगैरह जो है कि भाई लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। अभी शायद इनको कहीं तारकम्पान में भेज देना है ये। और ये वाली बछड़ी जो है कि दोस्तों अपनी वाइट गिर की है। उसकी माँ पूरी वाइट है और बच्ची पूरी रेड है, गोटिया पर गई है। तो अभी छोटे बच्चे जो है कि एक जगह पर बंद करने हैं। ये गाय जो है कि भाई खुले ही चर के आते हैं, इनको कोई चराने के लिए भी नहीं जाता है, इधर छोड़ देते हैं। अरे अभी अभी जो है कि इनको कहीं तारकम्पान है, तारकम्पान में मुकलवाना है हमने क्या। हाँ छोटे छोटे बच्चे जो है कि उनको इसमें भेज देने हैं उधर सामने। किधर वलने का है? हाँ इधर वलने का है। सुरेश भाई गया है अभी फिलहाल गांव में कुछ सामान लेने के लिए।
कि अभी पूजा है कुछ। छोटे छोटे बच्चे जो है ना दोस्तों, इनको आदत हो गई है, तो अभी घर तो दूर है थोड़ा, लेकिन जैसे निकाल के आते हैं तो बराबर खुद ब खुद चले जाते हैं। और अपने बच्चे जो भाई वाड़ा के बाहर निकालने के बाद भाई इतना उछल कूद करते हैं भाई, वैसे डेली की आदत है। देखो बिल्कुल उछल कूद नहीं, गुपचुप जो है कि भाई एक यहाँ पे छोड़ देना है, शाम को आके लेके जाएंगे। चारा वगैरह यहाँ पे इनको लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे इतना घास वगैरह है। गाय भी इसमें जर्सी गाय जो है कि खुले छोड़ते हैं, जर्सी गाय अलग से जाती है और अपनी जो गाय है वो अलग से जाती है। ये साथ में चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, तो इनको खुले छोड़ देते हैं इसके अंदर। ये सब जो है कि फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो इधर सब चर के आ जाते हैं, इधर भाई फसल वगैरह कुछ नहीं है। देखो डेली की रूटीन उनको पता है दोस्तों, खुद ब खुद जो है कि अभी यहाँ से टर्न मार दिया, नहीं तो रास्ता बहुत है। देखो इधर भी रास्ता है, सामने भी रास्ता है, लेकिन वो बराबर जाएंगे, डेली का है उनका। चलो गाय के पीछे मत जाओ यार, गाय जो है कि दोस्तों इसमें खुले चरेंगे, छोटे बच्चे जो है कि उनको उसके अंदर भेज देना है। ये भी बच्चे भी इसमें खुले चरते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, कुत्तों का डर होता है, तो इसके अंदर भाई वहाँ से देख रेख रहता है, नहीं तो इधर छोड़ दिया तो चरेंगे, लेकिन फिर क्या है कुत्ते पकड़ लेते छोटे छोटे बच्चे को। अब दिन भर जो है कि इसमें चरेंगे दोस्तों आराम से। भाई अभी दूसरा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया? हीरा जो है कि भाई उसको नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट आ रही है कि भाई हीरा गाय जो है वो नहीं देना है, तो नहीं देना है। तू आज ये काम कर, तू गाय में जा। क्यों भाई मैं आज गाय में जाऊँ, उसका कारण बताइए जरा। हमारे इधर प्रोग्राम है, तो मेहमान आए, मेहमान को मैं संभाल लेता। अरे मेहमान तेरे को पहचानते नहीं, मेरे को पहचानते हैं दोस्तों, मेहमान मेरे को पहचानते नहीं। एक मेहमान ऐसा ढूंढ के दे जो मुझे ना पहचाने, एक ढूंढ के दे एक। बुढ़ा पकड़ के लाएंगे यार। चल तू मेरे साथ। जब बुढ़ा पकड़ के लाएंगे तो वो ठीक ही, कोई बुढ़ा नहीं भेजते, बाकी सब भेजानते हैं। चलो फटाफट से छोड़ देते, छोड़ छोड़ जल्दी हटो। उस दिन आके गए दोस्तों, तो अभी देखो ये उठेंगे, देखो उठ 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 मारने के लिए उठ। तो आप जो है कि उस दिन बोले भाई मोर को क्यों नहीं दिखाया भाई, लो लो मोर देख लो भाई, मोर मोर कितने महीने की परीक्षा? 5 महीने की नहीं है रे भाई। हाँ फाइनली दोस्तों अपनी मोर जो है कि बच्चा देंगी, अब देंगी, 5 महीने की है बोल रहा है, पर 5 महीना नहीं होगा। अरे किसने कांट का दिया। चलो अभी है, मैं क्या करता हूँ अभी, तू ये पूरी गाय लेके कब आ रहा घर पे? किधर? घर पे उधर। 1 महीने के बाद। क्या 1 महीने के बाद? बस हो गया, अभी कीचड़ बिचड़ सब भग गया है। वो वापस बारिश आने वाला है, एक दो दिन में आने वाला है। तो ये अभी बच्चा देने वाली, इसको लेके जाऊँ मैं? नहीं क्यों ना लेके जाऊँ। अरे लेकिन उसको एक और उसको बगर देख कैसे हो गए? बगर तो हो गए बगर हो गए, बढ़िया। तो क्या जाते ले सुरेश भाई कहाँ गया, आया कि नहीं आया? आया आया। कुंडी ये लगभग दोस्तों 1-2 दिन में तो बच्चा दे देंगे बस, अभी कल या परसों तो। ये अपनी घोड़ी जो है वो भी 10 दिन में दे देंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन थी जो थी, एक तो घोड़ी दे दो, नहीं तो वो जो जिसकी पूंछ कटी हुई है वो दे दो, लेकिन हिराड़ मत दो। हिराड़ का भाई सब मना ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर आप मना करते हो तो नहीं देंगे। गाय भाग के किधर जा रहे भाई? देखिए भाग रहे हो तुम। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी सुरेश भाई और चाचा का लड़का दोनों जो है कि खाने के लिए गए हैं, तो मुझे बोले भाई तू जो है कि आधा एक घंटा गाय के साइड खड़ा रहे, बोले। मैंने बोला ठीक है। वैसे गाय कहीं जाएंगी नहीं, ऐसे भी इधर अभी 1.5-2 घंटे से ऐसे ही खुली चल रही है। मैंने बोला चलो एक राउंड मार के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर जो है कि भाई फसल है या नहीं, तो इतनी टेंशन नहीं है यहाँ पे। अरे कहाँ जाना है तुम्हारे पीछे पीछे, कहाँ पे हुआ लोए? ओए
कैसे इधर उधर घूमते ही रहते हैं, देखो अकेले, अगर कोई भी नहीं रहा तो आराम से दिन भर चलेंगे इसमें। कहा है सब देख रही इधर उधर, तो भाई अभी दोनों खा के आगे, खाना खा के आगे हो गया तो अभी मैं जाऊँ, मैं अभी मिलता हूँ आपको कल शाम को प्रोग्राम है तो फिर से आना पड़ेगा। दोस्तों देखो मेरे साथ झगड़े कर रही है, ऐसा तो नहीं गिरा मैंने, ऐसा दोस्तों मैं गिर सकता हूँ, खा खा के गेंडा हो गया है। देखो दोस्तों थकने गए दोस्तों, लेकिन अभी मेरी बॉडी देखो, इसकी बॉडी देखो दोस्तों, हिला नहीं पाया, बराबर ही का लड़ा हूँ मैं। नहीं ये मेरे से बड़ा है, इसकी वजह से मैंने इसको गिराया नहीं। अबे झल झल बहुत ताकत लगे, आपने देखा मेरे को ऐसा उठा रहा था, ऐसा लात मार रहा था, लेकिन अभी भी है ना दोस्तों गिरा सकते। देखो कैसा कैसा कर दोस्तों, ये गलत है पंगा नहीं गलत पकड़ा था आपने, पकड़ा किसने पहले? मैंने छोड़ दिया, मैं मजाक कर रहा था, मैं पकड़ा नहीं था इसको। अब आओ क्या, मैं पंगा नहीं लेना। चलो दोस्तों अभी चलते हैं घर पे, बहुत सारी मस्ती हो गई। ठीक है यार, लड़ाई मत करो यार, तुम लेके आओ। अभी अभी आज हम सुरेश भाई की और मेरी लड़ाई हो गई थी, सुरेश भाई को मैंने उठा के पटक दिया। तेरे को क्या लगता है सुरेश भाई को मैंने उठा के पटका होगा? नहीं ज्यादा ज्यादा होगा, तू वीडियो में देखना, मैंने उसको उठा के पटक दिया है। क्यों झगड़ा हो गया? फाइट हो गई थी सुरेश भाई की और मेरी। चलो फटाफट से बांध दो, हरी भाई थोड़ा बीमार था भाई आज सुबह से, हरी भाई ने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत बुरा लगा हरी भाई, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं घर पे नहीं था। आना वेरी गुड मंदे मंदे वेरी गुड फिर फोन में भी देखता है। चलो दोस्तों अभी जो है कि फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं, हरी भाई ने मिल्किंग वगैरह जो है कि स्टार्ट कर दिया है। हरी भाई मिल्किंग तूने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, मेरा काम बहुत बढ़िया है। तेरा काम बढ़िया है, खुद की तारीफ खुद करो, कोनो दिक्कत ना है। चलो मेरे को भाई मिल्किंग में कौन हेल्प करवा रहा है? मेरी भाभी है। कहाँ पे हो? बुलाओ उसको। लादे। तू भी कुछ बोल। चलो दोस्तों अभी फटाफट से मिल्किंग खत्म करते हैं। और ये देखो, ये तो यहाँ पे शोर कर रहा, ये यहाँ पे शोर कर रहा, ये वहाँ पे शोर कर रहा। नहीं, तू परेशान करता उसको, नीचे उतर जा, चल इधर जा, हल जल्दी लेके आओ। चलो क्या हुआ है, चड्डी में सूसू कर दिया? फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी खाना वगैरह जो है कि एकदम मस्त वाला हो गया है, और अभी जो है कि गाय में एक राउंड मार लेते हैं। गए तो चलो एकदम ओके है, और बारिश का मौसम भी नहीं है, तो भी आज रात को बारिश भी नहीं आएगा, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 2-4 दिन में जो है कि
बारिश होगा मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आपा जो है कि वहीं पे रुके हैं, तो आज भी जो है कि मुझे ध्यान रखना है। कल के व्लॉग में आपने देखा कि हरी भाई ने यहाँ पे, अब सबको पता है भाई, कुत्ता देखा, टेंडवा देखा, पता नहीं, लेकिन कल रात भर भी मैंने ध्यान रखी और आज भी रखना पड़ेगा क्योंकि कन्फर्म पता नहीं था को क्या था। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी बज रहे हैं कम्प्लीट 11:30, लास्ट राउंड जो है कि अभी एक मार लेते हैं। कभी उठते हैं, 2-3 राउंड तो होते हैं, लेकिन फिर पहला लास्ट राउंड है अभी 11:30 का सोने से पहले। बाकी जो है कि सब ओके हैं, और तो कोई टेंशन है नहीं। और टेंशन क्या नहीं है बताएं आपको, और टेंशन ये नहीं है कि कोई गाय अभी बच्चा देने वाली नहीं है। अभी जो है कि 3-4 गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन वो सब टेंशन अभी सूरज भाई को है क्योंकि जितने भी गाय बच्चा देने वाली है सब वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे और दूसरा कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ वो टेंडवा का जो है कि थोड़ा डर है भाई, वो टेंडवा जो है कि भाई अभी घुस गया है तो उसका थोड़ा डर है, बाकी सब ओके है दोस्तों एकदम फिट। भी थोड़ा एक प्रॉब्लम दूसरा हो गया था क्योंकि अभी अपन ही होते हैं तो मुझे यहाँ पे सोना पड़ता है, मैं तो फिर रूम में होता हूँ। मैं तो मैं और स्वयं दोनों यहाँ पे सोए थे, स्वयं सीधा मैं यहाँ सुला के मैंने बोला चलो राउंड मार के आते हैं इससे पहले, भाई सीधा नीचे नींद में यहाँ पे गिरा। दिन भर तो भागते रहता है दोस्तों, लेकिन रात में सोता है तब भी जैसे गुच्चुप नहीं सोता है, इधर तंगड़ी डाल उधर तंगड़ी डाल, इतना परेशान करता है ये लड़का। चलो दोस्तों तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।